વચનામૃત કરી લાભાન્વિત કરશે, અને છેલ્લે પૂજ્ય દામોદર લાલજી મહારાજ શ્રી વચનામૃત કરશે. તો હવે સર્વપ્રથમ પૂજ્ય શ્રી રસાલિકા બેટીજીને વિનંતી કરીએ કે આપ કૃષ્ણાશ્રયનો પાઠ કરી અમને બધાને શ્રવણ કરાવશો. पूज्य श्री ताजी एवं श्री दादा छोटे दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ. आज मैं आपको कृष्णाश्रय का पाठ सुनाने वाली हूँ. आप सब भी मेरे साथ बोलना. सर्व मार्गेषु शुनष्टेषु कलौ च खल धर्मणि आशन्द प्रचुरे लोके कृष्णेवोगतेर्मम्लञ्चाक्रान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च तत्पीडाकृत्कुलोकेषु कृष्णेवोगतेर्मम्. गङ्गाद्युतीर्थवर्येषु पुष्टैरेवावृतेष्व तिरोहितार्थिदेवेषु कृष्णैवोगतेर्मम्. अहङ्कारविमूढेषु सत्सु पापानुवर्तिषु लाभपूजार्थियत्नेषु कृष्ण एव गतेर्मम. अप्रतिज्ञाननष्टेषु मन्त्रेषु व्रतज्योतिषु लाभतिरोहितार्थिदेवेषु कृष्ण एव गतेर्मम. नानावादविनष्टेषु सर्वकर्मावृतादिषु आशन्दैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतेर्मम. अजामिलादिदोषाणां दोषकोऽनुभवेत् तिरोहितार्थिदेवेषु ज्ञापिताखिलमाहात्म्य कृष्ण एव गतेर्मम. प्राकृता सकला देवा नन्दकम् पूर्णानन्दो हरिस्तस्मात् कृष्ण एव विवेकधैर्यभक्त्यार्थिरहितस्य विशेषतो पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव सर्वसामर्थ्यसहित कृष्णाश्रयो भवेत् कृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पूर्णम्. શિવલ્લવાજી શકી જય શ્રીગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. ગિરરાજ ધરણ કી જય. શિવમને મહારાણી કી જય. गोपाल लाल प्यारे की जय. चिंता संतान अंतारो यत्पादाम्बुजरेम श्रियानांतान निजाचार्यान प्रणवामि मोर्मो यदनुग्रहतो दंतो सर्वदुःखातिगो भवेत् तमाम सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम अज्ञानति निरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमामि हृदये शेषे
लीला क्षीराभिषायनम लक्ष्मी सहस्र लीला सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिस्तदा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदारुदये मम अत्र विराजमान परम पूज्य ताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं दादा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। चिरायुष्मान रसाली का बेटी जी एवं आप सब वैष्णव व्रत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप हर सत्संग में दादा के मुखारविंद से श्री यमुना तट का रसपान कर रहे हैं। श्री यमुना जी की महिमा तो अनंत है, इसलिए हमारे भगवत जी भी गाते हैं, भाग्य सौभाग्य श्री यमुना दूधेनी, भाग्य सौभाग्य श्री यमुना दूधेनी। अर्थात श्री यमुना जी भाग्य सौभाग्य देने वाली हैं। एक प्रसंग आता है कि एक बार की बात है, द्वारका में श्री ठाकुर जी और श्री रुक्मणी जी कुछ ब्रज लीला की बात कर रहे थे। उसी समय एक परमेश्वरी नाम की एक सखी वहां पे कुछ काम के लिए आई, तो जो श्री ठाकुर जी ब्रज लीला की बात कर रहे थे वो आने बात सुन ली और वहां मन में सोची कि मेरे को भी ब्रज लीला को आनंद कब मिलेगा। तो वहां के अंदर आरती और बापू ताप गयो कि मेरे को भी ब्रज लीला को आनंद कब मिलेगा। तो बापू भूख नहीं लगती, बापू नींद नहीं आती, खाली पूरे दिन वो ही सोचती रहती कि मेरे को ब्रज लीला को आनंद कब मिलेगा। तो श्री ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, श्री ठाकुर जी वाकी मन की बात जान के वाकी पास पधारे और कही के तू रोरी क्यों है। तो ओ सखी ने कही कि मेरे को ब्रज लीला को आनंद कब मिलेगा। तो श्री ठाकुर जी ने कही तू यमुना जी के आश्रम में जा, यमुना जी तो यमुना जी तो ब्रज की अधिष्ठात्री है। श्री यमुना जी तेरे मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो वो श्री यमुना जी को स्मरण करती और वहां पे श्री यमुना जी वाके पास बधा दी और कही और कि तू रोरी क्यों है। तो वो सखी ने कही कि जैसे आप सारी सखी जहरी गोपी जन को ब्रज लीला को आनंद ब्रज लीला को मनोरथ पूर्ण करो, ऐसे आप मेरो भी ब्रज लीला को मनोरथ पूर्ण करो। तो श्री यमुना जी ने पूछी तेरा मनोरथ का है। तो वो सखी ने कही के मेरे को ब्रज लीला को आनंद लेना है। तो श्री यमुना जी ने आज्ञा करी तथास्तु। तो वही सखी एक गुजर के वहां वापो जन्म भरो और वो बड़ी हुई और वापो
एक ब्रजवासी के साथ विवाह भयो और उसकी ठाकुर जी श्री गोसाई जी की सेवक नी भई और वाकुर श्रीनाथ जी में आसक्ति भई और रोज श्रीनाथ जी के दर्शन करवा जाती थी। एक दिन वो ब्रजवासी की भैंस खो गई तो वहां के घर वाले वो भैंस को ढूंढने लग गए पर वो भैंस मिली नहीं। तो एक जन ने कही कि तुम्हारी बहू कैसी है, जैसी आई तुम्हारी भैंस खो गई। तो वो सखी यही बात सुन के रोने लग गई दुख भयो और वहां ने कही कि श्री जी बाबा आप ही मेरे हो, आपके अलावा मेरो कोई नहीं है। अगर आप वो भैंस ले आओगे तो मैं आपको माखन रोगाऊंगी। तो श्रीनाथ जी ने वो भैंस आके घर पे पधराई और एक जन ने कही कि तुम्हारी बहू इतनी भाग्यशाली है कि जैसे ही भैंस खोई वैसे ही अपने आप आ गई। तो आ गई फिर वो एक तो वो माखन लेके जा रही थी तो आने मन में सोची कि कोई मेरे को मिल लियो और वाने पूछी कि माखन मैं कहाँ ले जा रही हूँ तो मैं कहाँ जवाब दूंगी। तो वो सोच के वो वापस घर में आ गई। तो वहां पर श्री श्रीनाथ जी लाल सरी के साथ वहां के घर पे पधारे और कही कि क्यों री तूने कही थी कि तू माखन अरोगाएगी तो तूने माखन क्यों नहीं माखन दे। तो वो सखी माखन लेके आई और वाने अपने हाथ से श्रीजी बाबा को माखन रगाया। तो श्री यमुना जी की कृपा से वैसे ही वहां सखी ने कही कि आप मेरे घर पे माखन रोगवा खावे के लिए आप पधार रोज पधारियो। तो श्री जी बाबा ने कही ठीक है पर जादिन में नहीं आओ, जादिन को माखन मेरे लिए बचा के रखियो। तो श्री यमुना जी की कृपा से वो सखी को जिला को अवसर मिलो यासोपन के भगवदिया कहवे भाग्य सौभाग्य श्री यमुना जी। तो बस सदा अपन श्री यमुना जी को आश्रय रखे ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दू। बोलो श्री वल्लभादि की जय, गोसाई परम दयाल की जय। श्री वल्लभादि की जय।
मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री अमने भारानी की जय, श्री गोपाल लाल प्यारे की जय, श्री नवनीत लाल प्यारे की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडतयो यत। नमो नमस्ते स्वर्षभाय सात्वताम् विदुरगाश्चाय मुहुर्कुयोगिनाम् निरस्य साम्यातिशयेन राधसा स्वधामणि ब्रह्मणि रंस्यति नमः। यस्यानुकम्पावशदसुलभं मानोष्यवाप्तं परमस्य भुञ्जः सर्वार्थदं दीनदयालुमेकं गोपाललालं शरणं प्रपद्ये। अत्रैव विराजमान परम पूज्य ताजी के चरणों में धन प्रणाम करता हूँ एवं चिरायुष्मान स्वियान बाबा और आप सब पुष्टि मंथन सत्संग सभा से जुड़े हुए आप सब वैष्णव वृंद। गत सत्संग में हमने श्री यमुनाष्टक स्तोत्र के चतुर्थ श्लोक के दर्शन किए थे, जिसमें श्री आचार्य चरण ने हमें श्री अविनाश जी के शुद्ध गुण धर्म का आपने वहां पे वर्णन किया। तो आज हम सत्संग में पंचम श्लोक के दर्शन करेंगे, तो आइए सर्वप्रथम हम पंचम श्लोक का गान करें। यया चरण पद्मजा मुरारिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा सेवताम दया सदृशतामियान कमलजा सपत्ने वयत् हर प्रिय गलिंदया मनसि मे सदा थीयताम। नमो। अब इसी संदर्भ में अब श्री गोसाई जी अपनी विवृत्ति में आज्ञा करते हैं कि हे श्री यमुने कि जो आप श्री यमुना जी आप कैसी हैं कि श्री यमुना जी आप भगवतियों के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली, तो हे श्री यमुने जो आप भगवतियों के उत्कर्ष को बढ़ाने वाली हैं उनके आपके उत्कर्ष का वल्लभ श्री वल्लभ के अतिरिक्त या समस्त विश्व में और कौन वर्णन कर सकता। तो और अब आगे आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि यया चरण पद्मजा ही चरण पद्मजा अर्थात श्री गंगा जी का नाम चरण पद्मजा क्यों है, तो उसी संदर्भ में श्रीमद् भागवत जी के अष्टम स्कंद में जहाँ पे वामन भगवान की कथा आती है, जब वामन भगवान बलि राजा के वहां पे पधारे और बलि राजा से उन्हें उन्हें तीन पग भूमि मांगी, और जब आप भूमि ब्रह्मांड को नाप रहे थे तब आपका जब आपकी जो चरण नख थे वह ब्रह्मांड में उसका स्पर्श हुआ और ब्रह्मांड में छिद्र हो गया, छेद हो गया, और जो ब्रह्मांड के बाहर का जल था वह अंदर आ गया और वह श्री गंगा जी का रूप है, और वह अंदर आ रहा था तो वह प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हुए स्वर्गलोक में गिर रहा था, और प्रभु के चरणारविंद तो भक्ति स्वरूपा है। तो जब श्री गंगा जी आप श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श करके नीचे पधार रही है तब आप तब जब आपको वह भक्ति स्वरूप चरणारविंद
स्मरण हुए तब आप भी भक्ति मार्ग ये बन गए। तो और वैसे तो हमारे धर्म शास्त्रों में श्री गंगा जी के उत्कर्ष का बड़ा ही वर्णन आता है, बड़ी महिमा है गंगा जी की। हमारे धर्म शास्त्रों में गंगा जी की स्तुति भी है कि नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैः वदितं दिव्यम् दिव्य रूपम् भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि मित्यम् ददासि मित्यम् सदा कृपा सदा सारणे कृपा नराणाम्। अर्थात कि नमामि गंगे के हे श्री गंगा जी मैं आपको हम आपको नमन करते हैं क्योंकि सुरासुरैः वदितम् अर्थात श्री गंगा जी आप सुर और असुर वो आपको वंदन करते हैं, उनसे आप स्तुत हैं, वो आपकी स्तुति करने वाले हैं। और तो और भुक्तिम च मुक्तिम च अर्थात श्री यमुना जी आप भुक्ति और मुक्ति को देने वाली हैं। और भावानुसारेण सदा नराणाम कि जो जो भक्त का भाव होगा उसी भाव के अनुसार श्री यमुना जी श्री गंगा जी आप उसे भोग और मोक्ष का दान करते हैं। और यहाँ पे शाचर चरण आज्ञा क्या कर रहे हैं कि समागमन तो भवत सकल सिद्धिदा सेवताम कि जब जब श्री गंगा जी भोग और मोक्ष को तो दान करने वाले ही थे पर जब श्री गंगा जी आप समागमन तो भवत जब आप श्री यमुना जी में समा गए श्री यमुना जी का जब आपको संग प्राप्त हुआ तब सकल सिद्धिदा सेवता कि आप अलौकिक सकल सिद्धियों को देने वाली बन गए। एवं मुरारी वो प्रियम भाव होगा कि आप मुरारी की प्रियम प्रिय बन गए। तो वैष्णव यह है संघ का प्रभाव। ऐसा कहा जाता है कि जिसको जिसको जैसा संग होगा उसी का उसे रंग लग जाएगा। और अब यहाँ पे जो पूर्व पक्षी हैं वो शंका कर रहे हैं कि श्री गंगा जी जब यमुना जी में जब उनको संग प्राप्त हुआ तब वह सकल सिद्धियों को देने वाली कैसे बन गई। तो आज अपने आचार्य आज्ञा करते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि जिसको जैसा संग होगा उसी का उसे रंग लग जाएगा। तो वैष्णव और यहाँ पे श्री आचार्य चरण एक रास पंचाध्याय का प्रमाण दे रहे हैं कि रास पंचाध्याय में जब गोपियों को मद हुआ और जब ठाकुर जी अब अंतर्ध्यान हो गए तब गोपियन बड़े गोपीजन उनको बड़ा ताप हुआ, भगवत रस में वह डूब गए, तल्लीन हो गए, तन्मय हो गए। और जब वह भगवत रस में तल्लीन हो गए तब वह ठाकुर जी जैसी ही भगवत लीला करने लगे कि जैसे जिस प्रकार से ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया तो इसी प्रकार से कोई एक गोपी पूतना बन गई और कोई एक गोपी कृष्ण बन गई। तो जिसी प्रकार से ठाकुर जी ने पूतना का उद्धार किया इसी प्रकार से वह गोपी ने वह पूतना बनी गोपी का उद्धार किया। तो यहाँ पे वह तल्लीन हो गई इसलिए वह ठाकुर जी जैसी लीला करने लग गई। और यहाँ पे जब श्री गंगा जी आप यमुना जी को जब आपका संग हुआ तब सकल सिद्धिदा और मुरारी प्रियम भाव को क्या एक तो आप मुरारी की प्रिय बन गई और एक आप अलौकिक सकल सिद्धियों को देने वाली बन गई। और वैष्णव इसी संदर्भ में हमारी वार्ता जी में भी ऐसे अनेकों प्रसंग आते हैं पर मुझे एक स्मरण आ रहा है कि वासुदेव दास जी की वार्ता
कि वासुदेव दास जी को अपने बल पे बड़ा ही अभिमान, और क्योंकि उनने एक तो 1,000 मन का छकड़ा उठा के फेंका था, और उनने हाकिम और उसके 500 प्यादा को हराया था, इसलिए उन्हें अपने बल पे बड़ा ही अभिमान। तो एक दिन की बात है, वह नदी में स्नान करने गए और अपनी बड़ी अभिमान के रस में, अभिमान के मस्ती में उछाल उछाल के जल स्नान कर रहे थे। जिस प्रकार से हाथी हाथी अपनी मस्ती में जल उछाल उछाल के स्नान करता है, इसी प्रकार से वासुदेव दास जी भी वहां पे जल उछाल उछाल के स्नान कर रहे थे, और वहां पे अन्य लोग भी स्नान कर रहे थे, और वहां पे कृष्णदास मेघन भी स्नान कर रहे थे। तो कृष्णदास मेघन अः वहां पे वासुदेव दास जी को कहा कि आप थोड़ी धीमे स्नान करिए, मात्रा में स्नान करिए, क्योंकि हम भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो यह बात सुनकर वासुदेव दास जी को बड़ा ही क्रोध आया। तो वासुदेव दास जी कृष्णदास मेघन पे हाथ उठाने गए, परंतु कृष्णदास मेघन तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक हैं, और तो उनको श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपा का बल प्राप्त है। तो उन्हें वासुदेव दास जी का हाथ पकड़ लिया, और वासुदेव दास जी ने बहुत प्रयास किया कि वह हाथ छुड़वा दे, पर श्री आचार्य जी महाप्रभु का कृपा का बल कृष्णदास मेघन को प्राप्त था, इसलिए वह नहीं छुड़ा पाए। तो फिर, और जब वह कृष्णदास मेघन ने वासुदेव दास जी का हाथ पकड़ा, तब वासुदेव दास जी का अभिमान नष्ट हो गया, और फिर वह शांत हुए, और उन्होंने कृष्णदास मेघन से पूछा कि आप कौन हैं। तब कृष्णदास मेघन ने कहा कि मैं जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी का सेवक हूँ, मेरा नाम कृष्णदास मेघन है। और फिर यह बात सुनकर वासुदेव दास जी ने अपने मन में विचारा कि जिनका शिष्य इतना सामर्थ्यवान है, उनके गुरु कैसे होंगे। और जब यह बात सोच रहे थे, तब कृष्णदास मेघन ने पूछा कि आप कौन हैं। तब कृष्णदास मेघन ने कहा, तब वासुदेव दास जी ने कहा कि मैं वासुदेव दास हूँ, और मुझे अपने बल पे बड़ा ही अभिमान था, क्योंकि मैंने एक तो 1,000 मन का छकड़ा उठा के फेंका था, और एक कि मैंने राजा के हाकिम और उनके 500 प्यादा को हराया, तो इसलिए मुझे अभी बल पे बड़ा ही अभिमान। परंतु जब आपने मेरा हाथ पकड़ा, तब मेरा अभिमान नष्ट हो गया। मुझे आपके गुरु के दर्शन करने की इच्छा है, आप मुझे उनके पास ले जाइए। तब कृष्णदास मेघन वासुदेव दास जी को आचार्य जी महाप्रभु के पास ले गए, और आचार्य जी महाप्रभु वहां पे विराज रहे थे, और बाजू में दमला जी भी थे, और आचार्य जी ने कहा कि देख दमला, चाकू भगवदियन के दर्शन हो जावे, वही भाव वही इतनो भाग्यशाली होवे, पर याकू तो चाकू भगवदियन हाथ पकड़े, बाकी भाग्य की कहा कहने। बस फिर कृष्णदास मेघन और वासुदेव दास जी आए, और वासुदेव दास ने श्री आचार्य जी से कहा कि जयराज, अब मुकु आप अब मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझको आप शरण ले रहे हो। तब आचार्य जी ने कहा कि उन पे कृपा करके उनको शरण लिया, और आज्ञा करी कि पहले तुम अभिमान के रस में छके रहते, और अब से तुम भगवत रस में छके रहोगे, यानी तुम्हारो नाम वासुदेव दास छकड़ा। बस तो वैष्णवो, ये है संघ की महिमा। और यहाँ पे श्री गंगा जी को श्री यमुना जी का संग हुआ, तो वह सकल सिद्धिदा सेवताम और मुरारी वो प्रेम भाव का, कि आप मुरारी के प्रिय बन गई, और आप अलौकिक सिद्धियों को देने वाली बन गई। आपको स्मरण होगा कि हमने प्रथम श्लोक में अलौकिक सिद्धियों के पे चर्चा करी थी, कौन सी सिद्धियां, कि पहला तो अलौकिक भगवत सेवा में उपयोगी देह, दूसरा कि हम भगवत का सदा ही आनंद लेते रहे, तीसरा
कि हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति आरती जागे, और चौथा कि हमारे मन में सदा ही प्रभु का वास हो। तो यहाँ पे जो यह चार अलौकिक सिद्धियां हैं उनको समागम से समागमन तो भवत, कि जब श्री गंगा जी यमुना जी का संग हुआ तब आप यह अलौकिक सिद्धियों को देने वाली बन गई। तो और अब आचार्य जी अब आगे आज्ञा करते हैं कि तया सदृशतामियात कमल जा सपते वयत, कि हे श्री यमुने यह समस्त विश्व में आपकी समानता कौन कर सकता है, और कोई कर सकता है तो वह कमल जास अर्थात श्री लक्ष्मी जी। और वो भी किस प्रकार से कर सकते हैं कि सपत्नी, क्योंकि ठाकुर जी की लक्ष्मी जी ठाकुर जी की पत्नी है और श्री यमुना जी भी प्रभु की प्रिया है, तो सपत्नी के धर्म से ही वह श्री यमुना जी की समानता कर सकते हैं। और श्री यमुना जी में जो भगवत गुणत्व है वह श्री लक्ष्मी जी में नहीं है, और तो लक्ष्मी जी की महिमा थोड़ी कम है, यमुना जी की महिमा लक्ष्मी जी से भी अधिक है। तो समानता भी सपत्नी वयत की, श्री लक्ष्मी जी आप भगवान की पत्नी हैं और श्री यमुना जी भी प्रभु की प्रिया हैं, तो वह सिर्फ सपत्नी के धर्म से ही श्री यमुना जी की समानता कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी जब कृपा करते हैं तब वह भोग और मोक्ष को देने वाली, मतलब वह भोग को प्रदान करते हैं, धन को प्रदान करते हैं, और धन से जब हमारे पास धन आता है तब हमारे हमको अभिमान हो जाता है, हम ठाकुर जी की सेवा से दूर हो जाते हैं। पर अगर श्री यमुना जी हम पे कृपा करें तो हम को श्री यमुना जी आप हमारे जो यह जो छह दोष हैं उनको हमारे जो छह दोष हैं उनसे हमको कली दोषों से निवृत्त करवा के श्री यमुना जी आप प्रभु के पास ले जाती। तो श्री लक्ष्मी जी सब सिर्फ और सिर्फ सपत्नी के धर्म से श्री यमुना जी के समानता कर सकते हैं। और अब आगे आज्ञा करते हैं कि तया सुदर्शनामियात कमल जा सपत्ने वयत हरि प्रिय कलिन दया, कि श्री यमुना जी आप हरि की प्रिय है। यहाँ पे हम इसका इसके दो अर्थ कर सकते हैं कि जिनको हरि प्रिय है या फिर हरि जिनको प्रिय है, क्योंकि ठाकुर जी को यमुना जी क्यों प्रिय हैं? क्योंकि श्री यमुना जी आप जो जो भक्त हैं उन्हें श्री ठाकुर जी के पास ले जाती हैं, तो इसलिए श्री यमुना जी आप हरि प्रिय हैं, आप हरि की प्रिय हैं। और अब आगे आचार्य जी आज्ञा करते कि मनसि मे सदा स्थीयताम, कि हे श्री यमुने हे ऐसी यमुने मेरे मन में आप सदा ही स्थिरता अर्थात वास करें, क्योंकि जहाँ पे श्री यमुना जी का वास होगा वहां पे प्रभु भी पधारेंगे, क्योंकि प्रभु हरि, क्योंकि श्री यमुना जी आप हरि प्रिय कलिन दया, क्या आप हरि की प्रिय है। और अगर मन खाली होगा तो मन में जीव के छह दोष प्रवेश कर जाएंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में जीव के छह दोष बताए हैं, षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्याभूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। अर्थात कौन से छह दोष, निद्रा तंद्रा भयं क्रोधः आलस्यं और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता अर्थात सत्कर्मों को टालना, में विलंब करवाना, सत्कर्मों में विलंब करवाना। तो यह जो जीव के छह दोष हैं वह मन में प्रवेश कर जाते हैं, तो इसलिए इस कारण से
चाचा चरण आज्ञा कर रहे हैं कि मनसी में सदा स्थिरताम, हे श्री यमुने आप मेरे मन में सदा ही वास करें। और इसी संदर्भ में हमारे परमानंदास जी अपने पद में बड़ी विशिष्ट अपने पद को बड़ी विशिष्ट गा रहे हैं। राग गौर सारंग ताल त्रिताल। रसिकनी राधिका दो जन संग मिला करत है रास। तो ऐसे श्री यमुना जी कि तो यहाँ पे श्री आचार्य चरण श्री यमुना जी के उत्कर्ष का आपने यहाँ पे वर्णन किया। तो बस जानना कहते हुए यहाँ पे भी श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि मनसी में सदा सी ये दान के हे श्री यमुने मेरे मन में आप सदा ही वास करें। तो बस ज्यादा ना कहते हुए हमने यहाँ पे शमना जी के उत्कर्ष का वर्णन चाचा जी ने किया, उसके दर्शन किए, और हमारे जो परमानंद दास जी हैं उनने भी बड़े ही सुंदर पद का गान किया। तो आगे के श्लोक को हम आगे के सत्संग में उसके दर्शन करेंगे। तो बस ज्यादा ना कहते हुए
मैं अपने वाक पुष्प को श्री आचार्य श्री यमुना जी के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। बोलो बोलो श्री अपने महाराणी की जय। अब मैं परम पूज्य अपने ताजी को विनती करता हूँ कि वह अपने वचनामृत से लाभानु करें। आवाज सम्राज के बताने आप जी जी अच्छा। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद भूतकर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धे तुम मुदा मुरारी पद पंकज स्मृत मंदरेणुत्कटाम। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी के युगल चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। चिरायुष्मान वृजाधीश जी, चिरायुष्मान वृजाधीप जी, चिरंजी हमारी रसालिका बेटी जी, पूर्व में अपने अपने वक्तव्य दे चुके हैं। आप काफी देर से सभी को श्रवण कर रहे हैं। अब इतना सुंदर रसा स्वाद श्रवण का आनंद आ रहा था और उसमें मैं कुछ अपने बात कहूं वो योग्य नहीं लगता है, लेकिन श्री महाप्रभु जी की कृपा से हमारे पूर्वाचार्य प्रभुचरण श्री उषाई जी, यदुनाथ जी, श्री जय जय श्री हमारे रमण प्रभु, हमारे गुरुवर ताचरण त्रिलास्ति पुरुषोत्तम लाल जी महाराज श्री, हमारे पितृचरण नित्य लीला श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री, आज वो अति प्रसन्न हो करके अपने प्रपोत्रों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हैं। ये जीव श्री वल्लभ के द्वारा पुष्टि मार्ग में आता है, लेकिन वो जीव का संबंध हो जाता है, लेकिन उसकी वो संबंध दृढ़ करने के लिए, संबंध को टिका रखने के लिए, तो कि तू वाया जी यमुना जी के पास होकर कि तू प्रभु के पास जा। जिन्हें शिवनाथ जी का आश्रय, श्री यमुना जी का आश्रय, श्री वल्लभ का आश्रय नहीं किया तो वैष्णव कैसा।
वैष्णव तो वो है कि जिसके हृदय में भक्ति रूपी प्रेम रूपी धारा जो है श्री यमुना जी रूप उसके हृदय में बहती रहे। हमारे मदाचरण चरण श्री आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी ने इतना अलौकिक मधुर भावों से भरा हुआ लीलाओं से भरा हुआ ऐसा सुंदर यमुनाष्टक स्तोत्र प्रकट करके हमको बता दिया। रात दिन अपन उनका पाठ आदि करते हैं लेकिन कितना समझ में आया यमुनाष्टक में यमुना जी के एक एक अष्टक के एक एक श्लोकों के भावों को कितना हम जान सके कितना हम पहचान सके। लेकिन एक बात वैष्णव ध्यान रखना, जितना पढ़ने में आनंद नहीं आता इतना आनंद आपको श्रवण करने में आएगा। क्योंकि पढ़ने में कदाचित निंद्रा तंद्रा प्रमाद आ जाता है लेकिन श्रवण करने वाले को हमेशा जागरूकता बनी रहती है। अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे, अब इसके पीछे क्या कहेंगे, ऐसी जागरूकता सुनने वाले के अंदर बनी रहती है। हाँ के ना, क्योंकि वो निंद्रा तंद्रावश नहीं हो सकता क्योंकि वो श्रोता है सुनने वाला है तो उसके अंदर ये जागरूकता रहती है कि ये यमुना जी के विषय में बहुत कुछ जानूं, बहुत दीप में जानूं। यमुना जी ऐसे अलौकिक रसों से भरी हुई है, अलौकिक प्रेम से भरी हुई है और तुरंत कृपा करने वाली जो है वो श्री यमुना महारानी जी है। पद का गान सभी वैष्णवों ने किया होगा, तिहारो दरस मोहि भावे श्री यमुना जी, तिहारो दरस मोहि भावे श्री गोकुल के निकट बहत हो लहरन की छवि आन सुख करनी दुख हरनी, जय जन प्रात उठ नहावे मदन मोहन जी की खरियो प्यारी पटरानी जुग कहावे, वृंदावन में रास रचो है मोहन मुरली बजावे, सूरदास प्रभु तिहार मिलन को वेद विमल यश गावे, श्री यमुना जी तिहारो दरस मोहि भावे। श्री यमुना जी का दृढ़ आश्रय करने से जो भी हमारे जीवन में दुर्लभता है वो दुर्लभता दूर हो जाएगी और सुलभता प्राप्त होगी। भक्त के हृदय में हमेशा अलौकिक मनोरथ रहते हैं, लौकिक इच्छाएं तो मन के अंदर प्रकट होती है पर अंतर मन के अंदर जो है वो हमारे मनोरथ प्रकट होते रहते हैं। हाँ के ना, वो अंतर मन के अंदर जो प्रकट होते हैं वो लौकिक नहीं वो अलौकिक है। वो अंतर्मन तो कहता है कि जा तू यमुना जी के किनारे चला जा, तू गोकुल में चला जा, यमुना पान कर, यमुना जी के घाट पर यमुना जी की स्तुति कर, यमुना जी के जल रूप में यमुना जी के रज रूप में सबके दर्शन कर, सबके भाव को विचार। और हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी आज कई आचार्य हुए यमुना जी की स्तुति गंगा जी की स्तुति आदि की है, सब ठीक है, लेकिन हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने जो यमुनाष्टक प्रकट किया है और उसकी विवृत्ति और टीकाएं गुसाई जी हर महाप्रभु जी ने अन्य आचार्यों ने उसका भाव प्रकट किया है वो अति उत्तम है, वो हमारे लिए प्रमाण है। हाँ के ना, महाप्रभु जी को समझने के लिए गुसाई जी गोपीनाथ जी हरिराय जी गोकुलनाथ जी द्वारकेश जी अनेक आचार्य महानुभावों ने यमुनाष्टक को समझाने के लिए अपने अपने विचार ग्रंथों में प्रकट किए हैं। कोई टिप्पणी के नाम से, कोई लेख के नाम से, कोई कारिका, कोई योजना, अनेक अनेक है। तो यमुना जी का जो अलौकिक रसमय स्वरूप जो है वो तो आदिदेविक है। ठाकुर जी को सभी गोपीजनों में सबसे ज्यादा जो प्रिय हो वो है श्री यमुना जी। हाँ के ना, इसका अर्थ यह नहीं है स्वामी जी बड़े नहीं है, स्वामी जी भी महान है मुख्य है और चंद्रावली जी की भी उपमा महान है, चंद्रावली जी भी निम्न नहीं है, राधा सहचरी जी भी महान है, उनके लीलाएं भी महान है,
परंतु श्री यमुना जी का जो महात्म है, यमुना जी की जो लीला है, यमुना जी जो भक्तों के ऊपर जो रस वर्षा बरसाते हैं, वो अति दुर्लभ और अलौकिक है। वो तो श्री महाप्रभु जी के शरण में आया है, इसलिए पुष्टि का दान श्री यमुना जी उस जीव पर करते हैं। ये तो हर जीव यमुना जी और गंगा जी ये सभी नदियों को माता मान करके, शक्ति और देवी मान करके पूजता है, लेकिन हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी यमुना जी को किस रूप में बता रहे हैं? जल रूप में भी बताया, महात्मा के रूप में भी बताया, मूल स्वरूप में भी बताया। और यमुना जी और ठाकुर जी के गुण धर्म एक है और स्वरूप भी एक जैसा है। भगवत जी ने कहा श्याम संग श्याम, कैसा स्वरूप यमुना जी का वैसे ही ठाकुर जी का, ठाकुर जी का वैसे ही यमुना जी का। और श्री यमुना जी पुष्टि जीवों के हृदय में अलौकिक मधुरथों को प्रकट करती रहती है। यमुना जी का आश्रय करता है, यमुनाष्ट का पाठ करता है, तो यमुना जी ऐसी कृपा पुष्टि जीवों पे करती हैं कि उसके हृदय की मधुर प्रकट होती रहती है। जैसे कली कली में से पुष्प बन जाए और वैसा वृक्ष हो तो उसमें से फल लग जाए, फल अपने आप गिरने लग जाए परिपक्वता, तो यमुना जी जो है ऐसे पात्रों के ऊपर कृपा करती हैं कि वास्तव में वो पात्र है यमुना जी की कृपा का। जो पात्र नहीं है तो यमुना जी के स्वरूप को, यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप को, यमुना जी के आध्यात्मिक स्वरूप को, यमुना जी के आदि दैविक स्वरूप को वो नहीं जान सकता। केवल मिश्री को मीठा होती है ऐसे कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तव में उस मिश्री को मुंह में डालो तो उसका स्वाद का वास्तविक आपको अनुभव होगा। मीठा मीठा तो कहते हैं लेकिन वास्तव है, शहद है, मधुरता है, मीठा है। तो ऐसे ही श्री यमुना जी के जो अलौकिक गुणगान है सब मधुर है। यमुना जी प्रभु के अत्यधिक प्रिया हैं, वैसे तो चतुर्थ प्रिया हैं, लेकिन विशेष अलौकिक रस का जो दान हुआ है वो श्री यमुना जी को हुआ है। और प्रभु तो ऐसे कृपालु हैं कि भक्त के हृदय में जैसे मनोरथ प्रकट हो जाते हैं आप पूरे करते हैं, और भक्त के हृदय में जो मनोरथ होते हैं वो अलौकिक होते हैं। और यमुना जी ऐसे मनोरथ भक्त के हृदय में प्रकट करती हैं, पर वो भी जैसे अभी उष्णकाल चल रहा है, फुहारे चल रहे हैं, नाव का मंदिर हो रहा है, छिलका हो रहा है, खसखाने में विराज हैं ठाकुर जी, वो कैसे शीतलता पहुंचे, वो शीतलता पहुंचाने का मुख्य जो सेवा है वो श्री यमुना महारानी जी की है। अभी स्नान यात्रा गई, वो स्नान यात्रा की भावना के अंदर से राय महाप्रभु जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन करके लीला का अपन को बताया है। और संक्षिप्त में उसको यही जानेंगे कि यमुना जी प्रभु के मन को जान करके और उसी कुंज के अंदर झरने में जल जो बह रहा है उस जल रूप में हो गई है। तो श्री यमुना जी के जल रूप में दर्शन होते हैं, यमुना जी के महात्म के रूप में दर्शन होते हैं, और यमुना जी का आदि देवी जो स्वरूप है फिर उसमें भले आपने मस्तक में सेहरा धराया हो या मुकुट धराए हो, जो भी श्रृंगार आपने किया हो वो हमको वही प्रिय है, क्योंकि यमुना जी जो अलग मनोरथ करके प्रभु के सुख का विचार करते हैं। अब ये चित्र में जो अपन दर्शन देख रहे हैं, श्री यमुना जी कोई आतुरता नजर आ रही है और माला जी ऐसी हस्त में ले रखी है, तो वो माला जी प्रभु को धराने के लिए कितने आतुर हैं, ये माला जी के मन का क्या है,
ये भक्त है जो वल्लभ की शरण में जो आया है वो ये भक्त है, वो माला के रूप में यमुना जी उस जीवों को प्रभु के चरणारविंद तक पहुंचा देती है। और माला है, फूल है, कमल है, वो कोमल है, तो ऐसा ही भक्त का हृदय भी कोमल है। उस कोमल और हृदय वाले भक्त श्री यमुना जी की कृपा से प्रभु के चरणारविंद को प्राप्त कर लेते हैं। कृष्णा धरा मृता स्वाद सिद्धि अत्र न संशय, गुरु में कह चुके हैं, कृपा का दान महाप्रभु जी कहते हैं। और पुष्टि भक्ति, अलौकिक भक्ति का दान जो है हमारे श्री यमुना महारानी जी करते हैं। और यमुना जी की इतनी पूर्ण कृपा हो जाती है, सिद्धि बाबा से रहा नहीं जाता है, और वो अधरामत अपना अधरामत का दान श्री यमुना जी की कृपा से पुष्टि जीव के ऊपर आप करते हैं। प्रभु सामने से पधारे, अधरामत का दान करें, पुष्टि जीव को के अंदर कोई लौकिक इच्छाएं नहीं है, पुष्टि जीव अलौकिक मनोरथों से भरा हुआ है। उसके अंदर मनोरथ ऐसे होते हैं कि मैं यमुना जी की स्तुति करूं, यमुना जी का भजन करूं, यमुना जी की सेवा करूं, यमुना जी का पूजन करूं। पूजन के भी पुष्टि भक्ति मार्ग में 5 प्रकार बताए गए हैं, 5 प्रकार की पूजाएं हैं, लेकिन समय विशेष हो जाएगा इसलिए वो अलग विषय हो जाएगा, फिर कभी इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य तो अपन को यमुना जी का ही आदिदेविक स्वरूप, आध्यात्मिक स्वरूप, आदिभौतिक स्वरूप, इसके विषय में अपन को जानने की जिज्ञासा हृदय में सबकी बढ़ती रहे। हमारे छोटे विद्याधीप जी जिन्होंने अपना सुंदर वक्तव्य दिया, कम से कम 10-15 मिनट तक का वक्तव्य उन्होंने दिया, धीर गंभीर वाणी में, ऐसे अलौकिक प्रसंगों को उन्होंने कहा, और उसमें भी विशेष करके यमुना जी की कृपा है वो बताया, लीला के प्रसंगों को उन्होंने प्रस्तुति दी, बहुत ही सुंदर दी। और मैं तो ये मानता हूं कि ब्रजादीप जी के ऊपर भी यमुना जी की कृपा अब हो रही है, और उनके ही ज्येष्ठ आत्मा चिरायुष्मान प्रजाधीश जी महोदय कि जो उनका तो लगातार यमुना जी के और यमुनाष्टक के ऊपर अपना वक्तव्य चलता ही रहता है, आज भी उन्होंने यमुना जी के विषय में, यमुना जी के स्वरूप के विषय में, यमुना जी के गुण के विषय में अपन सबको बताया। यमुना जी की महिमा अपरंपार है, यमुना जी का आदि देविक स्वरूप भी अलौकिक रसों से भरा हुआ है। जो जीव श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री यमुनाष्टक का पाठ करता है, यमुना जी का स्मरण करता है, यमुना जी का चिंतन करता है, तो यमुना जी कृपा करके उसको अलौकिक अधरामत का दान करवा देते हैं। तो आप सभी महानुभाव वैष्णवों को खूब खूब मैं बधाई देता हूं कि जब से यमुनाष्टक के विषय में पुष्टि मंथन सभा सत्संग के विषय उनके माध्यम से ये बहुत ही सुंदर कार्य हो रहा है, काफी वैष्णव इसका लाभ ले रहे हैं, उसका भी हमको ख्याल आया। और आवश्यकता है कि भी आज पुष्टि भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार करने की जवाबदारी सभी के ऊपर है, सभी आचार्य और सभी वैष्णव समाज। वैष्णव समाज अनन्य श्री महाप्रभु जी के ऊपर, श्री यमुना जी के विषय में, श्रीनाथ जी के विषय में पूर्ण आस्था, दृढ़ता, निष्ठा, श्रद्धा रखने वाला पुष्टि मार्गी वैष्णव है, जो यमुना जी का ही सतत स्मरण करता रहता है लेकिन कोई कामना नहीं करता। पुष्टि भक्त के अंदर हृदय में मनोरथ होते रहते हैं, तो अलौकिक मनोरथ श्री यमुना जी की कृपा से आप सबके पूर्ण हो, यही श्री यमुना जी के युगल चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करता हुआ अपनी वाणी को मैं अपने शब्दों को राम देता हूँ। बोलो श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री दामोदर लाल प्यारे की जय। हवे आप सर्वे उपस्थित वैष्णवों ने जय जय श्री ने
दंडवत प्राणनो लाभ मळशे तो भावेशभाई ने विनंती करीश के उपस्थित तमाम वैष्णवों ने अनम्यूट करशे। और सबको अनम्यूट कर दो। चरण
चढ़ये न चरण।